शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय सात। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय सात। तब किर्यातारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना रखा था और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजार को पवित्र किया। किर्यातारीम में रहते रहते संदूक को बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो तो पराए देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह उन्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अश्तोरे देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपास किया और वहां कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। जब पलिश्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इस्राएली पलिश्तियों से भयभीत हुए और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दोहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पिउआ मेमना ले सर्वांग होमबलि करके यहोवा को चढ़ाया और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दोहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़के के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से लेकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेत करके नीचे तक मारते मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबनेजर रखा कि यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। तब पलिश्ती दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर न आए और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा और एक्रोन और गत तक जितने नगर पलिश्तियों ने इस्राएलियों के हाथ से छीन लिए थे, वे फिर इस्राएलियों के वश में आ गए और उनका देश भी इस्राएलियों ने पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाया और इस्राएलियों और एमोरियों के बीच भी संधि हो गई और शमूएल जीवन भर इस्राएलियों का न्याय करता रहा। वह प्रतिवर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूम कर उन सब स्थानों में इस्राएलियों का न्याय करता था। तब वह रामा में जहां उसका घर था लौट आया और वहां भी इस्राएलियों का न्याय करता था और वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई।